हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 17 लेके आए हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 17 में बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज का 12 नंबर का क्वेश्चन। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। बल्क मॉडुलस वाली बातें याद होगी आपको, बस उस पर बेस ही क्वेश्चन है। तो चलिए मजे करते हैं हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए, कंप्यूट दी बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, गिवन डेटा। चलिए दोस्तों, पानी का इनिशियली वॉल्यूम था 100, इनिशियल वॉल्यूम था 100 लीटर, ठीक है? प्रेशर इंक्रीज किया मैंने 100 एटमोस्फियर का, ओ बाप रे सर, प्रेशर 100 एटमोस्फियर का प्रेशर इंक्रीज हमने किया, दिख रहा है आपको? फिर कभी जरूर पड़ेगी तो एटमोस्फियर को ऐसा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में या पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे। इतना प्रेशर इंक्रीज किया तो दोस्तों उसका फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। सर, टेक्स्ट बुक में लोचा है, 100.5 लीटर टेक्स्ट बुक में लोचा है सर। प्रेशर इंक्रीज करोगे आप तो वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा? तो सिली मिस्टेक इन टेक्स्ट बुक, पर हम तो अब भी कैलकुलेशन कर लेंगे। जेन्युइन रीज़न है ना भाई, तू देख प्रेशर बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। तो देखो, उन्होंने बोला है बढ़ रहा है, पहले 100 था, 100.5 है, थोड़ा मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, लेकिन चलेगा। हम सवाल कर देते हैं पूरा। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर टू दैट ऑफ एयर, ठीक है? बल्क मॉडुलस फाइंड करो पहले वाटर का, फिर उसको एयर के बल्क मॉडुलस के साथ कंपेयर करिए, ठीक है? फिर उनका एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज, वो बाद में देखते हैं, यहाँ तक कर वो बाद में देखते हैं सब दोस्तों। पहले आ जा, कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। चलो पहले बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर तो फाइंड करो। बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी बाय डेल्टो वी बाय वी, ठीक है सर? पी इंटू वी बाय डेल्टो वी। अब देखिए सर, आसानी से पी है आपके पास 100, 1.013 इंटू 10^5 इनिशियल वॉल्यूम है आपके पास 100 लीटर, कोई बात नहीं सर, 100 लीटर ऊपर वॉल्यूम है लीटर में, नीचे देखो चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 - V1, दो मिनट रुक जा, अब सुनना आराम से। पहले काम करो, ये फॉर्मूला को सजा दूँ थोड़ा मस्त मजे का, तो मज़ा आ जाएगी आपको। पी वी डेल्टा वी मतलब V2 - V1, ठीक है? V2 - V1, ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल। प्रेशर है 100, 1.013 × 10^5 वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 लीटर। अब लीटर को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीचे ही वॉल्यूम आने वाला है। V2 - V1 दोस्तों, यहाँ पे देख लो, V2 साइड में भी लिख सकते हो आप, V2 - V1 100.5 - 100 0.5 लीटर, ठीक है दोस्तों? तो ये रहा 0.5 लीटर गया। अब दोस्तों आप आंसर ला दोगे बल्क मॉडुलस का कुछ 2.026 × 10^9 पास्कल, यानी रास्कला पास्कला, ठीक है? चलो, माइंड इट, डन है? ओके दोस्तों, एयर का बल्क मॉडुलस क्या होता है? 1.05, ये याद ही रखना दोस्तों आपको, न्यूटन अपॉन मीटर को या पास करो, ये याद ही रखना आपको, करना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या बोला है, वाटर का और एयर का, देखिए ना, कंपेयर बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर, ठीक है? चलो कंपेयर करते हैं, तो 2.026 × 10^9 1.0 × 10^5 कहा गया दोस्तों। तो बी ऑफ वाटर बी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है कुछ 2.026 × 10^5, ठीक है? ओ सर, ये रेशियो इतना बड़ा क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बोलो, ये रेशियो इतना हुआ मेरे हिसाब से तो 0.260, ओ बाप रे, मतलब क्या हो मालूम है, 20260 बी ऑफ ए, ओ हो सर, वाटर का बल्क मॉडुलस इस एयर के बल्क मॉडुलस से 20,000 गुना है, 20,000 गुना है सर, क्या बात कर रहे हो सर, 20,000 गुना है। तो ये रेशियो बड़ा होने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि बल्क मॉडुलस वाटर का बहुत ज़्यादा होता है,
बहुत ज़्यादा होता है तो ये जल्दी दबता नहीं है, ठीक है। और बल्क मॉडल्स एयर का बहुत कम होता है तो बहुत जल्दी से दब जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ये रेशियो इतना बड़ा आ रहा है, आप समझ रहे हो। बल्क मॉड्यूल्स वाटर के एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं दोस्तों, बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं वाटर के एटम कंपेयर टू गैस। हाँ, कंपेयर टू गैस। अब मैं सॉलिड से कंपेयर करने जाऊँगा तो वाटर के एटम्स सॉलिड की कंपेयर में बहुत नज़दीक नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो वाटर और एयर का कंपेरिजन किया गया तो एयर की कंपेयर में वाटर के एटम्स नज़दीक होते हैं तो दोस्तों वो कॉम्प्रेस जल्दी नहीं होते हैं। कॉम्प्रेस जल्दी नहीं होते मतलब कि कॉम्प्रेस उसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा है। बल्क मॉड्यूलस क्या है, एक नंबर है जो शो करता है कि भी ये कम दबेगा, जिसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा वो कम दबेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, इसलिए दोस्तों बल्क मॉड्यूलस वाटर का बहुत ज़्यादा होने के कारण ये रेशियो ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो रीज़न में, ठीक। चलो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।